मेरे साथ सर पहले कुछ गलत हुआ था, कोई आदमी मुझे गर्भवती बना के चले गया था और न उसका पता है न घर का पता है न कुछ है, और मेरे बच्चों को जो पता नहीं है वो भी पता लगवा दे रहे सर मेरे बच्चों को कि तू नाता है औलाद है। फिर सर मैंने अपने बच्चे का नाम ओम प्रकाश जी के लिए दे रखा है, इन्होंने दिया मेरे बच्चों को नाम, तो मैंने कौन सा गलत किया सर उस बच्चे को जन्म दे के? मोदी सरकार ने ये नियम चला रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ ये कागजों में असली में लिखा हुआ रह जाएगा सर? मैंने कौन सा गुनाह किया? किसने परेशान कर रखा है? गीताराम गौर और सुखी गौर नाम ही ढूंढे हैं सर इस क्षेत्र के, इनके ऊपर बलात्कार का केस है और कई केस है सर मोदा घाट इन्होंने तोड़ा है। अब ये मुझे भी परेशान कर रहे सर, मेरी बेटी और मैं आत्मदाह करने को मजबूर कर रहे सर वो, मैं अब मैं अपनी बेटी को और अपने आप को मैं आत्मदाह कर दूं, मैं जय खा के मर जाऊंगी सर अगर मुझे न्याय नहीं मिला। मैं जनजाति हूँ सर, मेरे बाप जनजाति, मेरी माँ जनजाति, नाम देने वाला जनजाति, तो मेरे बच्चे क्यों जनजाति नहीं है? देखो सुनो, पहले तो आप ना ये आत्मदाह करने वाली बात बोल रहे हो, इससे कुछ नहीं होने का, आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, जो बच्चे आपके पीछे हैं वो वीरान हो जाएंगे। और क्या चाह रहा है सर? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो सरकार इस समय है कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। पांच कोटर पांडे मर गया और बच्चे पीछे वीरान हो गए, पूरी सरकारों को फर्क नहीं पड़ा, अपने किसी आदमी को जांच कर करने को तैयार नहीं है। बहन जी मैं तो यही कहूंगा कि ये आत्मदाह वाला पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मरना परेशान हो सर, मुझे करना ही पड़ेगा और मैं करूंगी। मेरी बेटी ने भी खुद बोला, मम्मी मुझे कुछ पता नहीं था, इन्होंने मुझे नाजाय नाजाय औलाद बोलते हैं, और मेरी बेटी ने खुद बोला मम्मी हम दोनों मर जाते हैं कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। गीताराम गौड़ और सुशील गौड़ क्षेत्र के नाम ही गुंडे हैं और इन्होंने सर मेरी बेटी के प्रमाण पत्र रद्द करवाने के लिए मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं सर, मेरी बेटी को भी नाजायज औलाद कह के बोल रहे हैं। मैं तो आज आत्महत्या कर रही थी सर मुख्यमंत्री आवास पे जाके, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आज हल्ली के यहाँ जाओ आप, आपको न्याय मिलेगा सर। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ और मैं अगले, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं आत्महत्या कर दूंगी अगले हफ्ते मुख्यमंत्री आवास पे जाके। और ये नाम ही गुंडे हैं क्षेत्र के, ये हर किसी को परेशान करते हैं। मुझे न्याय, मैंने कौन सा गुनाह किया? एक बेटी को जन्म देके मेरे साथ गलत हुआ है, ना उसका आता है ना पता है, ना नाम का पता है सर उसका। हाँ वो गीताराम गौड़ सुशील गौड़ वो नाम ही गुंडे उस आदमी को ले आए तब मैं मानती भी हूँ, या शादी का कोई प्रूफ दिखाए। मैं तो बिन ब्याही माँ बनी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीजेपी के तो ऐसे दरिंदे नेता ये बेटी बेटी मारने को तुले हुए हैं कि बेटी खत्म करो। ये मेरे बेटी को भी मुंह पे नाजायज नाजायज औलाद करके बोलते, ऐसे दरिंदे ऐसे गुंडों को तत्काल पार्टी से हटा देना चाहिए और इनको अंदर होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को नहीं बख्शा देना चाहिए, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मैं अगले हफ्ते आत्महत्या करूंगी, मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने दर दर की ठोकरें खाई सर। मैं उन बच्चों के लिए पता नहीं मैंने झुपड़पट्टी में रही, मैंने भीख मांगी लोगों से, सबको क्षेत्र में आके आप पता कर सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला है। आज मैं समाज के लिए कार्य कर रही हूँ कि अब जो मेरे ऊपर कलंक लगे हैं वो दूर हो, और वो मेरे को ये बोलते कि तू क्षेत्र में कोई काम नहीं करेगी, मैं सामाजिक सेवी हूँ, तो उससे उनको बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे बच्चों को आड़ में ले रहे, मेरी बेटी के लिए भी खतरा है। मेरी बेटी जवान हो रखी है, हाई स्कूल में पढ़ती है, एकलव्य में पढ़ती है, वो कह रहे हैं हम अपने बाप के हैं, हम बाहर निकाल के दिखा देंगे तुम्हारी बेटी को। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले, और सर के माध्यम से भी मैं ये चाहती हूँ मुझे न्याय मिले सर। आपके कहने से मैं रुकी हूँ, मैं अगले हफ्ते आज रही के आश्वासन से मैं रुकी हूँ, अगले हफ्ते मैं आत्महत्या कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके साथ टोटल उसका उलट हो रहा है, इनके साथ ही नहीं
देश की बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बच्चियां, लड़कियों के साथ जितने, या यूं कहिए किसी भी क्षेत्र में जिस चीज का भी भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है, टोटल उसके उलट ही काम कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे उल्टे काम करने का ठेका ले रखा है क्या? या ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के ही समय में क्यों आ रही है कि लोग आम जन से लगा के, किसान से लगा के, व्यापारी से लगा के, हर वर्ग आत्महत्या को मजबूर हो चुका है। तो इससे ये बड़ा विषय है, मैं इसमें इनकी मदद जरूर करूंगा।